लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद से अजीत पवार लगातार एक्टिव है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। वो विधानसभा चुनाव में कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। अजीत पवार ने कहा, आज का दिन अच्छा दिन था, इसलिए हमने ये दिन चुना। गणराय का दिन है, हम यहाँ सभी विधायकों को लेकर पहुंचे, हमने दर्शन किए, हम विधानसभा में जा रहे हैं, बप्पा से हमने आशीर्वाद लिया है, जरूर बप्पा हमें आशीर्वाद देंगे। सिद्धिविनायक के दर्शन के बाद अजीत पवार ने विक्ट्री के साइन दिखाए। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे मौजूद थे। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी लोकसभा चुनाव में महज एक सीट जीतने में कामयाब रही। यहां तक कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती सीट से पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एनसीपी सिर्फ रायगढ़ की एक सीट जीतने में कामयाब रही। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे सिर्फ एकमात्र उम्मीदवार रायगढ़ से जीतने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद से अजीत पवार लगातार एक्टिव है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। वो विधानसभा चुनाव में कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। अजीत पवार ने कहा, आज का दिन अच्छा दिन था, इसलिए हमने ये दिन चुना। गणराय का दिन है, हम यहाँ सभी विधायकों को लेकर पहुंचे, हमने दर्शन किए, हम विधानसभा में जा रहे हैं, बप्पा से हमने आशीर्वाद लिया है, जरूर बप्पा हमें आशीर्वाद देंगे। सिद्धिविनायक के दर्शन के बाद अजीत पवार ने विक्ट्री के साइन दिखाए। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे मौजूद थे। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी लोकसभा चुनाव में महज एक सीट जीतने में कामयाब रही। यहां तक कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बारामती सीट से पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एनसीपी सिर्फ रायगढ़ की एक सीट जीतने में कामयाब रही। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे सिर्फ एकमात्र उम्मीदवार रायगढ़ से जीतने में कामयाब रहे।